अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। यार शाम के 6 बज रहे हैं, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। दोस्त की कॉले आ रही थी मेरे पास कि भाई कहाँ है तू, क्योंकि हमारा कोई प्लान था कहीं जाने का। तो मैं अपने ब्लॉग को कर लेता हूँ स्टार्ट, आधा आपको बाद में बताऊँगा कि क्या प्लान था। तो वेलकम टू द माई न्यू ब्लॉग। प्लान ये था कि हमने जाना था मटका फ्राइज़ खाने, बिकॉज़ यार खैरपुर में न्यू ओपन हुआ है मटका फ्राइज़। फ्राइज़ तो हमने हर जगह के ट्राई किए हैं और आप लोग ने भी खाए होंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं मटका फ्राइज़ ट्राई करूँगा, वो भी खैरपुर के अंदर। लेकिन मटका फ्राइज़ मैंने ट्राई खाए हैं कराची में, हैदराबाद में, लेकिन खैरपुर में न्यू ओपन हुआ है। तो जादेब ने मुझे बोला था कि यार ये मटका फ्राइज़ बहुत टेस्टी है, मैंने ट्राई किया तो तू भी ट्राई कर। तो चलें, यही हमारा प्लान था आज का। लेकिन मुझे थोड़े लेट हो गया, मैं उठ गया हूँ, यानी उठा हूँ 6 बजे, अभी 6 बज रहे हैं शाम के। वो उसने 5:30 बजे का प्लान बनाया था, आधा घंटा लेट हो गया हूँ। तो चलें, चलते हैं जादेव के पास, पिक करते हैं, फिर हम दूसरे दोस्त को भी पिक करेंगे, फिर जाते हैं मटका फ्राइज़ खाने। तो देखते रहें आप भी, और आप लोग भी ट्राई करेगा। पहले मैं खा लूँ, फिर बताऊँगा कि हॉनेस्ट रिव्यू दूँगा मैं आज आपको, कहते हैं मटका फ्राइज़, फिर आपको भी बताऊँगा आप ऑर्डर करें या ना करें। तो फिर लस्सी देखते रहें आप, फिर चलते हैं जादेव के पास। जादेव के घर पे बैठा हुआ हूँ मैं, नॉक किया है, देखें क्या होता है, जादेव है या नहीं। हो गया कि जादेव नहीं निकला, घर पे नहीं है, तो अब जा रहे हैं हम दूसरे दोस्त के पास। तो जावेद के पास जा रहे हैं अभी हम, देखते हैं जावेद को पिक करते हैं, फिर जादेव को ढूंढते हैं, वरना हम कुछ चले जाएँगे अभी। तो फाइनली यार मैं दूसरे दोस्त के पास जावेद के पास आ गया हूँ। तो दुआ करेंगे ये हो घर पर, इसको नॉक करते हैं अभी दरवाज़ा, देखते हैं या नहीं। देखें जावेद आता है या नहीं, जाती शायद यहीं पे होगा, दुआ करें बस मिल जाए, वरना तो ख़राब हो जाएगा सारा। जावेद का गार्ड वगैरह आए थे, क्योंकि माशाल्लाह ये थोड़े भरम वाले हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि जावेद है घर पर। और मुझे पता भी चल गया था उसका ना आईफोन, मतलब हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया था, क्योंकि नॉन PTA फ़ोन आपके भाई के पास। अच्छा दुआ करें वो भी आ जाएगा, अभी आ जाए, फिर उसको जावेद को भी पकड़ेंगे हम, फिर जाएँगे मटका फ्राइज़ खाने। जानी जरा तुम कहाँ हो? हाँ आप कॉल करें, आप कुछ भी नहीं है। ये मिल गया ही जादेब, तो पता नहीं घर पर होगा, घर पर है नहीं ये। कितनी प्यारी चप्पल ऐसे क्यों पहनी है? क्या नाम है आपका? नालो छात निजाब। चप्पल सही बात थी, चप्पल सही बात। ये देखें नया फैशन है, सही बात, हम भी पहले ऐसी पहनते थे। ये बहुत क्यूट है, ऐसे तो अच्छी है, कैसे तो अच्छी है भाई। तो अभी हमारा प्लान है, जावेद भाई कहाँ चलना है? मटका फ्राइज़ खाने चलने वाला आपको जहाँ चलना है चलिए, हमने चलना है मटका फ्राइज़। सही है क्या? आपको कैसी लगी थी मटका फ्राइज़ पहले? सही थी, बहुत अच्छी थी, और ठंडी थी। ठंडी थी, हाँ। तो अभी चलते हैं, अभी उनको बोलेंगे कि हमें मतलब गर्म गर्म हो जाए। और जादेब के घर, जादेब के पास चलते हैं, उसे नहीं है घर पर, तो बात करते हैं उसे। चले ठीक है, तो फिर ओके, हम जा रहे हैं मटका फ्राइज़ खाने और वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है? तो भाई सीन ऐसा हो गया है कि अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पीने और पेट्रोल ख़त्म हो गया है बाइक का, चाय क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम चल रहे हैं चाय पीने। फिर दूसरा दोस्त भी आ जाएगा जिसको हमने पिक करना था। तो चले अभी हम अहमद पर जा रहे हैं, और पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भी डलवाएंगे थे। तो फिर मिलते हैं आपको अहमद होटल पर, चाय वाय पियेंगे छके से, फिर चलेंगे चाय। पहले हम आ गए थे अहमद होटल पे, और हमने चाय भी ऑर्डर कर ली है, ये रही चाय, और ये जावेद भाई बैठे हुए हैं। तो यार शाम में निकला था मैं, अब रात हो गई है। तो जावेद भाई ने मुझे बोला था यार रात में तुम अगर मटका फ्राइज़ दिखाओगे रात को, मतलब अच्छा सीन होता है, तो रात में मतलब हर चीज़ उभर के आएगी, क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी होगी, रश भी होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय पी लेते हैं इतनी देर में, अभी रात होने लगी है, अभी चाय पीते हैं। और दूसरा दोस्त भी साजिद का क्या प्लान है? साजिद आ रहा है, उसे मैंने कॉल किया और वो भी आ रहा है, साजिद भी आ रहा है। जादेब को लेना था, लेकिन जादेब कराची के रहा सफ़र चले गया, तो अभी चाय पीते हैं, तो फिर फ़ौरन चलते हैं मटका फ्राइज़ खाने। तो देखते रहें और बैठ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली यार हम आ गए, मटका फ्राइज़ ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे, और आवाज़ भी बहुत हम और बहुत है यहाँ पे, और हवा भी इतनी चल रही है, आपको बता ही सकते हैं, बार बार ऊपर आ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं मटका फ्राइज़ की, मतलब जो हॉल बना हुआ है और यहाँ पर है लोकेटेड। तो ये हमारी मटका फ्राइज़ की लोकेशन है, ये मतलब है ये जावेद सब खड़े हुए हैं, और जो मेन लोकेटेड है ना ये है जान बेकर मीरवा किनाल रोड खैरपुर के अंदर। तो ये है यहाँ का भाई लोकेशन, तो आप लोग भी ट्राई करेगा, पहले मैं ले लूँ फिर आपको ऑर्डर से भी दूँगा तो कैसी है और कैसी मतलब है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है, तो जब आ जाए तो फिर आपको दिखाऊंगा। Thank you.
आ गई है, तो हम पूछेंगे, हॉनेस रिव्यू भी लेंगे तो कैसी है। तो ये कितनी प्यारी लग रही है यार, ये चेक करें। अरे हाय हाय हाय, ये सामने ये जावेद बैठा हुआ है, साजिद भाई। साजिद भाई आपका क्या मूड है? टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं? आपने ट्राई किया पहले? यार मैंने सेकंड टाइम पे। तो फर्स्ट टाइम आपको कैसे लगी थी? अच्छी थी। आपको बता तो नहीं रहे? मज़ा नहीं आया? मतलब पैसे वसूल नहीं होंगे? हराम हो गया भाई। देखते हैं अभी, मैं भी सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने खुद की नहीं मंगवाई, तुम्हारे लिए मंगवाई। जावेद आप बाइट लो पहले, फिर बताओ। मैं चेक करूँ? भाई चेक कर दो, तुम चेक करो। ओए होए, चीज़ तो अच्छी डली हुई है यार इसमें। काम की नहीं है। कैसी है? गर्म है, ठंडी है? मतलब इसको अच्छी नहीं लग रही है। इधर दिखाओ जावेद, उनको दिखाओ, छोड़ो। नहीं आप ट्राई करो, फिर मैं लास्ट में ट्राई करूँगा ना कैसी है। है तो अच्छी यार, शक्ल तो अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? अच्छी है। राइस का टेस्ट अच्छा है। और ठंडी है, गर्म है? मटके वाला सीन वहाँ पे। अच्छा, तो सबने ट्राई कर ली है पिज़्ज़ा फ्राइज, तो मटका फ्राइज सॉरी। तो अब मैं ट्राई करने लगा हूँ, देखते हैं कैसे। मतलब इन्होंने तो ऑनेस्ट रिव्यू में मतलब इसकी बुराई कर दी है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। सॉस तो अच्छी है यार, अच्छी है। जब ठंडी है ना, काम की नहीं है ना। ठंडी है लेकिन चीज़ गर्म होनी चाहिए, सही है ना, हॉट होनी चाहिए यार इसकी। मेरे को लगता है कि इसका जो मटका है ना, ये गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। हाँ, ये लेकिन मैं दूसरी फ्राइज भी बहुत अच्छी है। मज़ा नहीं आ रहा मुझे तो। मज़ा आया, ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मज़ा आया, बहुत अच्छी है। आप लोग भी आए, मज़ेदार मज़ेदार आप लोग भी आए, जो जो ये ब्लॉग देख रहा है कैपो में, न्यू के लिए आप लोग के प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ की ट्राई करें, क्योंकि लोग प्राइस तो बहुत शौकीन है खाने के, मतलब मटका जो मतलब अगर ये पसंद नहीं आए तो सामने रजा का इसका नहीं, रजा है तो अलग है, ये मटका प्राइस उन्होंने स्पेशल मतलब बना रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ तो खाने के बाद आपको मिलते हैं। तो मेरे को तो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जल्दी बोल यार, ठंडी खा लूँ फिर। जब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको खाने के बाद। यार लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आया मटका फ्राइज में, लेकिन बस इसमें जो मतलब बुरी चीज़ थी ना, वो ये थी कि ठंडी हो गई थी चिप्स, जो मटका फ्राइज होनी चाहिए वो नहीं थी। लेकिन ये सॉस वगैरह तो बहुत अच्छे थे, तो मैंने खा लिया मटका फ्राइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं बोल लूँ क्या आप बोलेंगे? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, तो भाई यही सीन है कि बहुत अच्छी थी। मैं तो मतलब आपको ये प्रिफर करूँगा कि आप लोग आएँ, क्योंकि न्यू यहाँ पे खुली है, आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए। जो जो व्लॉग देख रहा है, ये जान बेकर के मेन सामने है, बिल्कुल ना जान बेकर सामने बना हुआ है, वो देखे, वो जान बेकर, ठीक है। तो फिर आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, तो जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और फेसबुक के पेज लाइक नहीं किया, तो जाके जल्दी जल्दी करें, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी अगर आपको अच्छी लगी है। तो फिर जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, बाय।